अच्छा ये है लाख दाना, ठीक है। ये बेसिकली पॉलिश बनाने के लिए सबसे अहम इंग्रेडिएंट होता है, और इसके जरिए से जो है हम पॉलिश तैयार करते हैं। अब ये देखेंगे, हम एक डब्बे के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये इसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर आप इसको लेते हैं। और दूसरे बॉक्स के अंदर हम सेपरेट इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल होम रेमेडी है, ये दोनों ही चीज़ें आपको किसी भी दुकान से मिल जाएंगी हार्डवेयर की। और इसको हम फिर अब मिक्सअप करेंगे। ये जी, इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, और ये हमने थोड़ी देर तक ज़्यादातर मिक्स करना है। तकरीबन इसको आप ना 5 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करें, ताकि वो उसको जो केमिकल का असर है वो पॉलिश के अंदर मुंतकिल हो जाए और अपना जो असर है वो ज़ायल ना करे। जी, अब हम इस पॉलिश को टॉप के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं, और आपको इस टॉप को देख के आइडिया हो रहा होगा कि जो पहले टॉप था उसकी फिनिशिंग किस तरह की थी, और अब हमने जब ये पॉलिश इसके ऊपर पेस्ट की है तो इसकी फिनिशिंग के अंदर वाज़े डिफरेंस कैसा है। और यही डिफरेंस है जिसकी वजह से एक फर्नीचर जो है वो फ्रेश लुक देना शुरू हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये होम रेमेडी पसंद आई होगी।